भाई अभी अभी वो देखो आपको आवाज आ रही होगी, केज लगाए थे ना, केज मतलब जो हाउसेस हमने ब्रीडिंग बॉक्स लगाए हैं बर्ड के, उसके ऊपर ये कहना चिड़िया बैठी है आराम से, हिलियो मत। वो भाई वापस चली गई, घर बना रखा है या नहीं, अगर घर बनाया हुआ मिला ना भाई तो मजा ही आ जाएगा। ये देख ये आई, ये आई, ये वाली चिड़िया थी, ये देख कितनी सारी, ये देखो भाई कितनी सारी आई है, दिखा दे ये रही भाई, ये रही तो ये देख ये गई, ये तो बुगला था, ये देखो भाई यहाँ पर काफी सारी चिड़िया है, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे लगाना सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हम तो जा नहीं सकते पर कैमरे को जरूर लेके जाके देखते हैं एक बार, इसके अंदर डाल के आप बता देना देख के कि इसके अंदर घोंसला बना रखा है कि नहीं, जल्दी नहीं बनेगा यार। ओ भाई टॉयलेट कर रखा, गीला गीला कर रखा भाई, गीला गीला, मेरे को लगता भाई थोड़े टाइम में यहाँ पे अंडे बच्चे करने लग जाएंगे चिड़िया। ओ भाई वहाँ पे जाना तो बहुत मुश्किल है उस घर के पास में, ये देखो ये बैठी है चिड़िया, ये देखो मैं थोड़ा सा हो जाएगा ये देखो, ये देखो भाई कितनी गई क्या आई, ये बिल्कुल पास में आ गई भाई, ये देखो ये कितनी सारी ये चिड़िया आ गई, हैं तू जा सकता उस घर में, हैं पक्का बता, पक्का जा फिर हमसे जाइए भवेश, गिर मत जाइए क्योंकि भाई नीचे है नाला गंदा और गिराना तो जाए, सर्दी का टाइम आराम से जा, और कांटे वाला पेड़ है भाई, सुन मैं तेरे को फोन दूंगा, फोन मत गिरा दियो, क्या बता जल्दी बता देख है, बीट है हाँ, एक बार दिखाइयो कैमरे, चालू है चालू है, दिखा दे ऐसे ही दिखा दे, घर के अंदर आराम से दूर से पीछे करके दिखा, थोड़ा दिख रहा होगा भाई आप लोगों को, पता नहीं इसको दिखाना आ रहा है कि नहीं, आ दिख रहा है कुछ है? हाँ। ला दिखा फिर मेरे को, दिखा मेरे को, दिखा भाई, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए, अगर यहाँ पे अच्छे अच्छे अंडे बच्चे हो जाएंगे तो पेट भी बना सकते हैं मिनी जू पे जा, तो एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का चैनल पे स्वागत है, मैं आ चुका हूँ छत पे, आज है ना बाकी दिनों के मुकाबले ठंड बहुत कम है, बिल्कुल कोहरा नहीं है, छत भाई पूरी साफ कर दी है मैंने, भाई ठंड में है ना छत साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है, ऊंची जिनकी छत पे जंगली बैठते हैं उनको तो बहुत जरूरी, क्योंकि भाई पूरी छत पे बीट होती है, और सर्दी के टाइम पे जब कोहरा पड़ता है ना तो सुबह के टाइम बीट पूरी गिल्ली हो जाती है, और एक बार गिल्ली हो जाती है ना पूरे दिन गिल्ली रहती है, इससे कबूतर बीमार होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लोग भी यही सोच रहे हो कि भाई इतनी सुबह सुबह मैं कबूतर तो खोलता नहीं तो मैं दड़बा खोल के क्यों बैठा आया हूँ, 5 से 7 दिन हो चुके हैं कबूतर के बच्चे ढूंढ रहा था हर जगह पे ताकि हम मिनी जू पे शिफ्ट कर सके, क्योंकि भाई हम जब भी बड़े कबूतर खरीदते हैं ना वो भाग जाते हैं उसी के पास चले जाते हैं जिस भाई से हम खरीदते हैं, बड़े कबूतर तो हर कोई बेचना चाहता है पर बच्चे कोई नहीं देना चाहता, लोग बोलते भाई हमारे बच्चे बच ही नहीं रहे सर्दी में मर जा रहे हैं, लगता हमें अपने वाले बच्चे ही लेके जाने पड़ेंगे, अपने पास भाई एक तो ये बच्चा है, हालांकि अपने पास जो भी बच्चे है ना सारे उड़ने वाले ही है, मतलब उड़ते होंगे क्योंकि हमारे बच्चे भाई छोटे छोटे उड़ने लग जाते हैं, एक तो जैसे ये बैठा हुआ है इस बच्चे को भी ले चलेंगे, हालांकि ये कलर मेरे को इतना पसंद, ओ भाई ये तो लकवे में है यार, इसको नहीं लेके चलेंगे नहीं तो बीमारी आ जाएगी, वहां को ले चलेंगे, हालांकि ये बहुत बड़ा बच्चा हो चुका है शायद, मेरे को तो काफी टाइम होगा ना आए इसलिए मेरे को पता नहीं है, ये बच्चा भी लगता तो, ओ भाई ये भी बड़ा ही हो रखा है, इनको भी पंख बांध के रखना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए, 1, 2, 3 और वो रहा चौथा, इसको क्या करें भाई आप कमेंट में बता देना, इसको लेके चले या कैंसल ही कर देते भाई, वहां इधर किधर गिर गया तो ये, बाकी मैं सोच रहा हूँ इसमें जो कबूतरी हमने वहां से सिंडन हाउस के वहां से पकड़ी थी इसको भी हम लेके चल सकते हैं, अगर इसके पूरी तरीके से अच्छे से पंख आ चुके होंगे 2-4 दिन में उड़ने लगी तो ले चलेंगे, वरना वहां पे इसका भी कोई काम नहीं है, आ जा देख लेते एक बार इसके पंख आ रखे भाई, लगभग लगभग तो इसके पंख आ रखे हैं, कट रहे कहीं हम इसको वहां पर शिफ्ट करें, और वहां पे आपको सबको पता है जंगली कबूतर बहुत ज्यादा रहते हैं जैसे यहाँ पे है, कहीं उनके साथ ही ना निकल ले क्योंकि वहां पे भी जंगली कबूतरों के साथ में ही रहती थी, पंख तो इसके आ रहे हैं भाई एक नंबर के, मान लो 1 हफ्ते में उड़ने लग जाएगी ये, तो इसका रिस्क मेरे को इसी बात का वहां पर क्योंकि खुली छत है। यार विक्की है ना मेरा फोन नहीं उठा रहा, पूरा दिन हो चुका है मेरे को फोन करते करते, कल मैं आप सबको पता की के ऊपर अटैक कर दिया था 2 बंदों ने, कबूतर बदली करवाने ले जा रहे हैं, इसमें है कबूतर और 2-3 कबूतर नहीं थे जो हाँ। पुराने हो गए थे हाँ। नीचे रख बोला नीचे रख, ओए रुक जाओ ओ गुद्दी छोड़ पहले गुद्दी छोड़, गुद्दी नहीं छोड़ूंगा ये हमारे कबूतर, छोड़ छोड़ ओए भाग जाएंगे भाई भाग जाएंगे, नहीं भाई हमारे कबूतर लेके जा रहे तू, तेरे कबूतर है वो, हां मेरे कबूतर है, मैंने गुद्दी छोड़ एक बार भाई, मैंने इतने मेहनत से पकड़ा था इसे, भाई गुद्दी पकड़ रहा हूं मेरा कबूतर है तू कैसे लेके जा रहा है, तेरे कबूतर है क्या, हां मेरे कबूतर है मेरे को पता है भाई, भाई देख लो ये कबूतर बोल रहे हैं इनके है, और तुम्हें पता है डेली वीडियो बनाते हैं, हमारा फोन ले रखा है तू, यहाँ से क्यों निकल जाओ भाई, मेरे कबूतर है बात बनना है ना तू, और हूँ मैं कबूतर बात हमारा है, और सुन लक्ष्य को भी बता देना कल परसों में ही ना इसके जितने कबूतर हैं सारे उड़ा दें क्योंकि वो हमारे हैं ठीक है,
बहुत बना लिया, नहीं नहीं बना लिया तू वीडियो ना, तो पिटना है क्या? मेरे को नहीं पता भाई वो बंदे कौन थे, ऐसा तो नहीं है हमारे कबूतर फिर से खतरे में हो या फिर वहाँ पे चोरी होने वाली हो। वीडियो में उनने ऐसा ही बोला था कि से को कबूतरबाज हम बनाएंगे, मतलब तुम बहुत बड़े कबूतरबाज हो रहे हो। मेरे को तो ऐसा लगता है वो आस पड़ोस में कई कबूतर पाल रखे होंगे, और आपको पता भाई आजकल ऐसा ही टाइम चल रहा है, कबूतरबाज का दुश्मन फिरा हो रहा है। पहले जैसे शिव गोल्लू और थे, उन्होंने हमारे कबूतर छीनने की कोशिश करी थी विक्की का, तो फिर आगे चल के जब उनको लगा कि हाँ भाई ये तो दमदार पार्टी है, ये काबू में नहीं आएगी, तब वो रुक के उन्होंने हमारी आपस में सुलह हो गई थी। और मेरे को तो, मैंने तो इन बंदों को कभी आस पड़ोस में देखा भी नहीं है भाई, और ना ही वहीं पे देखा। एक बार वहां पे जाके बंदों से इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जो आस पड़ोस में कबूतरबाज रहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, जो बच्चे हैं वहां से पूछेंगे उनको फोटो दिखा के कि इस इन बंदों को कोई जानता है नहीं जानता। बाकी विक्की फोन नहीं उठा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई वहां पे जा रखा हो विक्की और पकड़ लिया हो, क्योंकि कल मैं वहां पे प्लॉट पे गया नहीं था, विक्की संभाल रहा था भाई। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ ना होगी। फाइनली मिनी जू पे आ चुके हैं, ये देखो विक्की अपने साथ में है। विक्की मैं तो डर गया था, तब तू फोन नहीं उठा रहा ना सुबह, क्योंकि तेरे ऊपर थोड़े दिन पहले अटैक कर दिया था बंदों ने। मां हे कौन बंदे वो, ऐसे कैसे जोड़े के ऊपर तो नहीं कर रहे हैं वो लोग लड़ाई, कहीं वो उन्हीं के पास हो, क्योंकि जिस भाई ने हमको दिया है उसने तो कबूतर पालने छोड़ दिए थे, कहीं से खरीद कर लाया कि कैसे लाया मेरे को नहीं पता। बार बार वीडियो में एक ही चीज बोल रहे थे कि हमारे कबूतर है, हमारे कबूतर है, ऐसा तो ना वो कबूतर सच में उनके हो यार। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कबूतर क्या पता वो लेके आए हो यार। अब मेरे को ये बात समझ में आ रही, हमारे कबूतर 100% खतरे में है, हमें संभाल कर रखने पड़ेंगे। बात तो यार पहले वो हैरियल बर्ड नहीं किया था क्या ना उसका, हरियर हरिया बर्ड, हरिया बर्ड ना, वो हैरियल बर्ड है जन, है वो एक तरह का बर्ड नहीं है, उनकी प्रजाति में आता वो। एक भाई का कमेंट है, कमेंट का वो तो मेरे को ही पता है, हैरियल बोलते हैं उसको, बर्ड नहीं है वो, पिजन है भाई, और वो दाना वगैरह कुछ नहीं खाता, हमें उसको अपने हाथ से देना पड़ेगा जो कुछ। पैसे मांगने तेरा है भाई वो, किसने पकड़ा था वो? सबने पकड़ा था। वो तुम्हारे हाथ में कैसे है? वो तो जमीन पे बैठता ही ना, कहीं तुमने शिकार तो नहीं कर लिया उसका? शिकार करा है तुमने लोगों ने उसको? फिर तुम्हारे हाथ में कैसे है? वो तो पेड़ों पर रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर बैठते हैं, जमीन पे तो पैर भी नहीं रखते। उसने अपना कर दिया। किसने? बाज ने भाई। मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है, मेरे को तो देख के लगा था उसकी बाजू में कहीं इन्होंने गुलेल से काम तो नहीं बैठा दिया है। पैसों के लिए कहीं कर रहे हो वो भाई, ये गलत बात है, सच बता दे। बाज ने मारा था तब हम सब गए थे पकड़। तो तुमने किसने तुमने पकड़ लिया उसको? हाँ। तो वो बंदे कहाँ पे जी, वो लेके आए थे जो वो बर्ड है ना, जो हमने अपनी कबूतरों की पेटी में उसको बंद कर रखा है, और काफी भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई ये हाथ से ही खाएगा, दाने वगैरह छत पे बिल्कुल नहीं खाएगा, और ये फ्रूट खाता है, दाने वगैरह भी नहीं खाता है, तो हमें इसको अपने हाथ से ही खिलाने पड़ेंगे। तो कह रहा था रुको, बांधने के लिए बोला था, तूने खुली क्यों छोड़ दिया इसको, तू पागल है? टाइसन तो बिल्कुल शरीफ था, अब इसको खोल लगा तू, ये सोचे कि कोई बाहर के बंदे, हमें एक दिन से तो जानती है, अब इसने अटैक कर दिया तो रोक्सी सूंघ ले रोक्सी सूंघ ले, मेरे को अच्छे से सूंघ ले, दे तू जल्दी भाई, तू ही जाएगा सबसे आगे, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे टाइसन बाहर निकल के एकदम भागता, ये भागी तो यहाँ पे बच्चे बच्चे की, तू यार पागल है बिल्कुल, पका दे पहले तो, 2 हफ्ता है ना, इसको बाहर नहीं जाने देना बिल्कुल भी, जंगली बन जाएगी। अरे जंगली बनने की ना बोल रहा मैं, जंगली नहीं बनेगी ये, वहां पर देख ले कितने भेज देगी। मेरे को विक्की अपने ऊपर रिस्क लेके खोल रहा है, विक्की डायरेक्ट पकड़ लियो बस है ना, ये देख के रखियो कहीं उसके गले पर हाथ पकड़ जाओ, पकड़ लियो तेरे को, ये देखो भाई बाहर नहीं आई ये टाइसन की जैसे। हाँ ये अच्छी बात होगी, रोक्सी हाँ मेरे बेटे, ना 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 रोक्सी बेटे, तुझे देख क्या लगी अग्रेसिव हो जाती है। फाइनली हमने रोक्सी को बांध दिया है, क्योंकि लेके आए थे ना उसका फोन आया था मेरे पास, उसने बताया है कि टाइसन की और इसकी दोस्ती है किस तरीके से हो सकती है भाई, सीधा भिड़ जाते हैं वो तो है, उसने देखी थी फेस टू फेस, बिल्कुल भी इसको लेके मत आओ, रोक्सी को तो बांध दो, क्योंकि रोक्सी के लिए नई जगह है, और रोक्सी भाई बहुत ताकतवर भी है, टाइसन को आप लोग संभाल लोगे, टाइसन को छोड़ दो खुला, क्योंकि टाइसन इससे डर रहा है तो इस पे अटैक नहीं करेगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, डर कहाँ रहा है, देखता है सबसे पहले वही काटने जाता है इसको। अरे वो काटने ना जाता, वो डर के मारे अपना बचाव करने के लिए उस पे थोड़ा बहुत गुर्राता है, और फिर भाई ये एग्रेसिव हो जाती है। टाइसन को खुला छोड़ोगे ना, वो इधर विधर घूम के इसको सूंघ लेगा, ये सिर्फ सूंघने जाती है, इतने में टाइसन एग्रेसिव दिखाता है। अगर चला गया उसके बाद मान लो उसने चिपट दिया, गर्दन पकड़ लिया, तू मेरी बात सुन, तू टाइसन को निकाल, खोल एक बार, रिस्क तेरा होगा भाई, छोड़ दे। ओए मेरे को ऐसा लगा भाई, अटैक करने ना, वो लगता खेलने के लिए जा रही थी, ये देखो भाई, ओए नहीं यार रोक्सी, नहीं वो दोस्त है तेरा, रोक्सी नहीं, डर रहा है ये यार, ये भी खेलने,
ये भी खेलने जाने की कोशिश कर रही हो गई। खेल नहीं रही ये, काटे काटे यार। रोक्सी नहीं, रोक्सी ये देखो, अरे ये बाहर जाने की सोच रहा है। ये देखो भाई ये डर के वो छुप गया। तो चाचा इनकी दोस्ती हो जाएगी, मुश्किल होगी इनकी दोस्ती, मुझे नहीं लग रहा। ये तो ये भी अग्रेसिव और ये तो डरपोक है पहले से। ओ ये इधर ही आ रही है, कोशिश कर रहा है। हाँ क्योंकि तूने कल बाहर निकाला था ना। मैंने ना निकाला बाहर, ये एकदम से उड़ के भाग जाए, चोट लग रखा है इसको, फिर जाके यार मर जाएगी। फाइनली अंडा, ओ अंडा, ओ पकड़ पकड़ पकड़। अरे यार लक्ष्य नीचे रोक से खुल गया, मार देगी इसको। पकड़ 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 पकड़। अरे यार भाई लक्ष्य क्या कर रहा है यार तू, भाग जाती है अभी। इस पे बाज ने अटैक कर रखा है, ये नीचे गिर गया होगा। ये चोट कल से सही हो गया है क्या? देख अब भरने लग गया, हल्दी लगाई थी ना। ये देखो भाई ये है ग्रीन पिजियन, और ये देखो इसका पेट खाली हो रखा है, तोते जैसा बिल्कुल बिल्कुल पेट खाली हो रखा है। इसको दाना वाना खिलाना पड़ेगा। ले खा तो नीचे से दाना। नहीं नहीं लग सा रही, मान जा यार मत छोड़, भाग जाएगा यार तुझे पता है। नहीं छोड़ेंगे तो यार रिकवर कैसे होगा, एक उसमें डड़बे में रखेगा इसको यार। रखेंगे रिकवर कैसे होगा, ये तो यार बाहर जाते फिर मर जाएगा कहीं पे जाके, या तो इनके साथ में रह लेगा तभी तो इनको पहचानेगा। दाना मुझे तो लग रहा है भाग जाएगा, दाना वाना खाने खाते देखेगा तभी ये भी दाना वाना खाएगा यार। तो नीचे कूद जाएगा फिर रॉक्सी पकड़ लेगी, और या फिर बिल्ली भी खुला है कोई बीच में रख के यहाँ पे पिंजरे में दाना वाना कर दिया। हाँ ये कर सकते हैं, इसी पिंजरे में रख देते हैं इसको, की भी आदत हो जाएगी ऐसे ही सेम टू सेम। हाँ है ना, और क्या पता यार हिल जाए, इन्हीं के साथ रहने लग जाए तो, और सही हो जाएगा। देखो इनका रिएक्शन क्या होगा, देख एक बार रख के देख। इसमें डालना जा जा जा, ये सही है। ये देखो भाई इसको दाना डाल दिया, देखते हैं कबूतर अपने इसके पास आएंगे कि नहीं आएंगे। आ तो रहे हैं पर ये बेचारा डरा हुआ लग रहा है मेरे को यार। इसको बाहर भी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो इधर विधर गिर जाएगा ना, तो कुत्ते बिल्ली मार देंगे इसको।